तो जय हिंद ईवी लवर्स। दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़ुरुकूत प्रीमियम की तरफ से आने वाली टायर की पॉलिश को रिव्यू करूंगा। इससे पहले मैं इनकी प्रीमियम पॉलिश भी रिव्यू कर चुका हूं जो आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते थे। और क्योंकि पॉलिश तो बहुत सारी अवेलेबल हैं लेकिन टायर्स के लिए पॉलिश बहुत ही कम अवेलेबल है मार्केट में, तो ये प्रोडक्ट वर्थ है कि नहीं ये हम चेक करेंगे इस वीडियो में, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं ज़ुरुकूत वालों ने मुझे क्या क्या भेजा है। दोस्तों मुझे दो पॉलिश भेजी गई हैं जो कि सेम है और टायर के लिए ही हैं, और एक का वेट है 450 ग्राम, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में ये आपको मिल जाएंगी चीप प्राइस में। आप 1.5 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद आप 150 की चीज़ तो खरीद ही सकते हैं जो उसको मेंटेन रखने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। चलिए वीडियो में देखते हैं ये खरीदने लायक है भी कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं अपने ओला इलेक्ट्रिक के टायर्स पे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जेल के फॉर्म में आता है और इसकी पैकेजिंग की बॉटल भी सॉफ्ट है, जिससे आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो लिक्विड अपने आप बाहर आने लगता है। लेकिन ये जेल फॉर्म में है तो आराम से आप इसे फोम पे लगा सकते हैं और उसके बाद में अपने टायर पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप ओला को वॉश कर लीजिए, उसके टायर में कोई भी मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर मिट्टी लगी होगी तो इफ़ेक्टिवली ये चीज़ काम नहीं करेगी। आप अपने ओला को जब वॉश कर लेंगे तो सारी मिट्टी धुल जाएगी, उसके बाद ये तैयार है लगाने के लिए। और ये नॉन स्टिकी पॉलीमर फार्मूला से बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी ग्रीसी चिपचिपीपन नहीं होता, और ये आराम से आप अप्लाई कर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ना ही आपके हाथ में चिपचिपाएगी, ना ही आपके जिस प्रोडक्ट में लगाया गया है वो चिपचिपाएगा। चलिए मैं आपको इसको फ्रंट टायर पर लगा के दिखाता हूँ। इस पॉलिश को थोड़ा सा अपने फोम पैड पर लीजिए और अप्लाई कीजिए टायर के जो भी रबर पार्ट है उस पर, और आप देखेंगे इंस्टेंटली आपका टायर शाइन करने लगेगा जैसा कि नया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके घर पर आया हो। क्योंकि ये प्रोडक्ट जेल फॉर्म में है तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं तुरंत आपकी गाड़ी में वही शाइन मेंटेन होके आ जाएगा जैसा कि नया टायर में होता है। सच पूछिए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा कारगर होगा, और जब मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई किया तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगा। आप ओला S1 Pro के फुटमैट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शाइन जो थी वो रिस्टोर हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्टोर होगी। हालांकि इसके लिए अगर आप नहीं चाहते तो आप टायर पॉलिश ना लगा के ज़ुरुकूत की प्रीमियम पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आपको थोड़ा सा पीछे रियर टायर पे भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। रियर टायर पे भी आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल में मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़ जाए जहाँ पर मैं आपको अप्लाई करूँगा वो एरिया थोड़ा विजिबल होना चाहिए, इसलिए ये फ्रंट से ही दिखाया जा सकता है। थोड़ी सी टायर पॉलिश आप अपने फोम पे लीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे इंस्टेंट साइन आ जाती है, कोई भी दूसरा कोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये पॉलिश 450 ग्राम की पैकिंग में आती है तो आपको क्वांटिटी के लिए परेशान नहीं होना है। आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो भी बहुत आराम से 1-2 महीने चलेगी। जब आप अपनी ओला को वॉश करते हैं तो ज़रूरी होता है उसके टायर भी पहले के जैसे चमकें, तो ये प्रोडक्ट आपको वही करके देगा। और ये अमेज़न पर बहुत ही जल्दी आने वाला है, प्रोडक्ट अंडर रिव्यू है और बहुत ही जल्दी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा जब ये आप अमेज़न से डायरेक्ट खरीद पाएंगे। तब तक आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और 190 रुपये में ये शिपिंग सहित आपके घर पर पहुँच जाएगा। तो मिस्टर इंद्रजीत से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके घर पर यह प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा जेन्युइनली। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।